हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लक्स फ्लड धारणा, या जिसे हम कहते हैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो ये जो आपका टॉपिक है एसिड एंड बेस चैप्टर से है। सो गाइस, फाइनली हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस 3 से 4 दिन में जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपके सिलेबस में कुछ और टॉपिक बचा हुआ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो आप लोग नीचे मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि इस साल उनके सिलेबस में कुछ न्यू चैप्टर जो है वो एड हुए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका सिलेबस चाहे जो भी हो और आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज बच गया है, कुछ टॉपिक छूट गया है, या फिर कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक से, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो, या फिर आप मुझे जीमेल कर सकते हो। सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो नोट्स बनाऊंगी। इसलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी बचा हुआ है, आप लोग जल्द से जल्द मुझे भेज दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लक्स फ्लड धारणा। काफी छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ही जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में देखा हुआ है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, और ब्रॉनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा। उन सारे कॉन्सेप्ट में ये समानता थी कि उन सारे कॉन्सेप्ट में हमें एसिड और बेस के बारे में जो है वो जानकारी मिली है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, मतलब अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट भी इसी पर ही आधारित है। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट में भी हम ये जानेंगे कि एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने तरीके से इस एसिड और बेस को जो है वो परिभाषित किया है। तो लक्स और फ्लड नाम के भी दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एसिड और बेस के ऊपर अपनी धारणा प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम देखते हैं, इस धारणा को लक्स ने 1939 में प्रस्तुत किया, जिसे फ्लड ने 1947 में विकसित किया। इसके अनुसार मतलब ये जो आपका कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले लक्स ने इसे जो है वो प्रस्तुत किया था, कब, 1939 में। लेकिन इसे अच्छे से डेवलप, अच्छे से विकसित फ्लड ने किया था 1947 में। तो ये मतलब काफी लेटेस्ट ये कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसके अनुसार जो है वो क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो हम जो है वो बेस को जानते हैं कि बेस जो है वो क्या होता है। तो क्षारक या बेस वह ऑक्साइड है जो जो ऑक्सीजन देता है, मतलब जो ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट करता है, वो आपका बेस कहलाएगा। तथा अम्ल वह ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, मतलब एक्सेप्ट करता है। तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। देखिए, ये जो लक्स और फ्लड है, उन्होंने एसिड और बेस के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेस वह ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन को डोनेट करता है, और एसिड वह है जो ऑक्सीजन को जो है वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो बेस है वो ऑक्साइड डोनर है, और जो एसिड है वो ऑक्साइड एक्सेप्टर है। मतलब यहाँ पे ऑक्साइड से रिलेटेड ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, बेस वह ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट करता है, तथा अम्ल वह ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन को जो है वो ग्रहण करता है, मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए इसका हम जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये जल्दी से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास है CaO + CO2। तो ये जो आपका CaO है वो बेस है, और CO2 जो है वो अम्ल है। मतलब ये जो है वो बेस है, ये एसिड है, ये क्षार है, और ये आपका जो है वो अम्ल है। तो लक्स फ्लड ने क्या कहा था कि जो बेस होता है वो ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट करते हैं, और जो एसिड होता है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ भी क्या होगा, ये जो CaO है उसमें से जो एक ऑक्सीजन है वो इस एसिड के साथ आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को डोनेट कर रहे हैं। तो देखिये, यहाँ भी क्या होगा, ये अपना ऑक्सीजन जो है वो इस एसिड को जो है वो दे देते हैं। तो क्या होगा, Ca2 प्लस आयन यहाँ पे बन गया, और CO3, मतलब एक ऑक्सीजन इसको मिला तो ये आपका CO3 हो गया, और यहाँ पे 2-। तो इससे आप लोगों ने पहले एग्जांपल से क्या समझा कि ये जो बेस है वो ऑक्सीजन को डोनेट कर रहे हैं, और जो एसिड है वो ऑक्सीजन को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ठीक, आपको समझ में आया कि जो बेस होता है वो ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन डोनर होता है, और जो एसिड होता है वो ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है। तो यही है इसका डेफिनेशन, बेस वह ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन डोनेट करता है या देता है, तथा अम्ल वह ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है। अब देखिए, दूसरा एग्जांपल भी इसी प्रकार से ही है।
SiO2 जो कि एसिड है और CaO जो कि बेस है, तो यहाँ पे हमको पता है एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, बेस है CaO, ये ऑक्सीजन को जो है वो डोनेट करेंगे, तो CaO इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, ये आपका बन जाएगा SiO3 और यहाँ पे Ca2+ SiO3 2-, मतलब बेस ने अपना ऑक्सीजन डोनेट कर दिया और एसिड ने ऑक्सीजन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। यही है आपका लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, और इसमें जानने लायक उतना कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है कि जो बेस होता है वो ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं और जो एसिड होता है वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जो क्षारक होता है, मतलब जो बेस होता है, ऑक्साइड दाता होता है, ऑक्सीजन मतलब क्या, वो ऑक्साइड को देता है या डोनर होता है, और जो एसिड होता है वो ऑक्साइड ग्राही होता है, मतलब ऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। क्लियर हुआ, द बेस इज एन ऑक्साइड डोनर एंड द एसिड इज एन ऑक्साइड एक्सेप्टर। तो चलिए अब हम इसका जो भी उपयोगिता है, लिमिटेशन है, ये सारी चीज हम देख लेते हैं। उपयोगिता देखते हैं इसका, यूटिलिटी, इस धारणा से धातु एवं अधातु ऑक्साइडों के अम्लीय या क्षारी प्रकृति की व्याख्या संभव है। अब यहाँ पे क्योंकि ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्साइड पे ही आधारित है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी आपके पास मेटल हो, नॉन मेटल हो, मतलब धातु हो, अधातु हो, उनके ऑक्साइडों के अम्लीय प्रकृति, क्षारी प्रकृति, मतलब उसके एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर के बारे में हम जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। सेकंड है, उच्च ताप पर होने वाली अभिक्रियाएं इस धारणा से स्पष्ट की जा सकती है, अगर हाई टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको भी हम जो है वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो स्पष्ट किया जा सकता है, एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। अब जैसे कि हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी पाया गया है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन पाया गया है, तो यहाँ पे एक ही लिमिटेशन है, देखिए, यह धारणा धातु एवं धातु ऑक्साइड के अलावा अन्य पदार्थों के अम्लीय एवं क्षारीय व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके ऑक्साइड पे ही बेस है, इसलिए ये केवल ऑक्साइडों पे ही ये लागू होता है, बाकी अगर हम अगर अन्य पदार्थ के बारे में अगर कोई डिस्कस करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो ये है इसका लिमिटेशन। तो क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, तो आई होप यो आज का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, और कोई भी चैप्टर छूट रहा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।